हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं भगवान नायक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिना क्रिएशन। दोस्तों, मैंने नोटब्रोकर में कुछ ट्रांजेक्शन किया था क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 56,000। अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन किया था और मेरा जो अमाउंट है जो फंस गया था, यानी होल्ड कर दिया गया था, और वो जो अमाउंट मुझे वापस मिला है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पेरेंट में जाऊँगा, तो यहाँ पर आप दिख रहा है कि ऑप्शन माई पेमेंट, उस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर मैंने अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन किया था 56,000 मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। बाद में मेरा अमाउंट को होल्ड कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद मेरा जो अमाउंट को रिफंड कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर पेमेंट 56,000 वाज रिफंड ड्यू टू नॉन डॉक्यूमेंट गिवन ऑन 2 अप्रैल 2022। तो मुझे बोला गया था कि रेंटल एग्रीमेंट सबमिट करने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरे पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट लगता है उसको हम काट के आपका अमाउंट को रिफंड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि 2 दिन के अंदर मेरा जो अमाउंट रिफंड हो चुका है। तो देखते दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हूँ कि 1 अप्रैल में मैंने जो ट्रांजेक्शन किया था क्रेडिट कार्ड से 56,560 रुपीज़, और 2 अप्रैल को मेरा जो अमाउंट रिफंड आ चुका है 560 रुपये काट के, और इंटरेस्ट अमाउंट काट के बाकी अमाउंट मेरा जो क्रेडिट कार्ड में रिफंड हो चुका है। और दोस्तों, इस तरह आपका पैसा भी फंस जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका पास है तो आप रेंटल एग्रीमेंट सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप अपना अमाउंट को रिफंड करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।